अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन माँ खान चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल चिकन करी की रेसिपी। 10-15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके मेहमान बिल्कुल आपके घर में भी हो, तब भी आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। और बनने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। और इस चिकन करी को हम बनाएंगे कुकर के अंदर, जो 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg 250 ग्राम के बराबर चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया। अब यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज़ें ली हैं, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही हमने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, इसमें हम दो दो पीसेस करके ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, और उनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और मसाले मैंने बिल्कुल बेसिक से लिए हैं, जो घर के अंदर सभी के मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ली है, साथ ही 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून के बराबर ही मैंने गरम मसाला ले लिया है। सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ज़ीरा भी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और स्टार अनीस भी मैंने ले लिया है। इसके अलावा हम 2 से 3 बेलीफ का यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इस आसान चिकन करी को। तो इस आसान चिकन करी को बनाने के लिए मैंने कुकर में 2 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर लिया है। इसको हमने गर्म कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसी के साथ साथ हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऊपर तक भरकर हम यहाँ ऐड करेंगे। ये देखें, जो नमक मिर्चें मैंने आपको मेंशन किए, उसी में से हम 1/4 टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 टी स्पून के बराबर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों के साथ में इस चिकन को फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चिकन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर इसके अंदर इंक्लूड हो जाए। ये चिकन करी आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बस इतना ही चिकन हमें फ्राई करना है। इसे हमें हाफ डन भी नहीं करना और पूरा कुक भी नहीं करना। तो बस इसकी जो कच्ची स्मेल होती है उसको ही ख़त्म करना था। ये हो चुकी है, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए ऑयल के अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 से 3 बेलीफ, और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर खड़े गर्म मसाले ऐड कर लेंगे जो हमने आपको मेंशन किए हैं। हल्का सा हम इसको क्रैकर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। साथ ही साथ हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होता है हल्की हल्की, जब ये गुलाबी होने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए, प्याज को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बस ऐसे ही लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा कलर हम इसमें डार्क नहीं करेंगे। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे, और इसके अंदर जो खड़े गरम मसाले हमने ऐड किए हैं तेज़पत्ता को छोड़कर, बाकी सारे खड़े गरम मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो प्याज को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेंगे, वही मसाले जिनको हमने आपके सामने मेंशन किया है वो इसमें ऐड कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मसाले हम ऐसे ही सूखे भूनेंगे, और इस बात का ख्याल रखेंगे कि एकदम से जल जाते हैं मसाले, खुशक होते हैं, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। ग्रेवी का कलर इससे बहुत अच्छा आता है, इसीलिए थोड़े से सूखे मसाले भून लेने चाहिए, जैसे मैं भून रही हूँ। फिर इसके बाद में हम ऐड कर लेंगे टमाटर, आपको मेंशन किए वो ऐड कर दिए, और तकरीबन 3 मिनट के लिए इस मसाले को भूनकर तैयार करेंगे। इतनी देर में ही हमारे जो टमाटर हैं वो एकदम से मैशी हो जाएंगे और मसाला भी भून जाएगा। बहुत ज़्यादा मसाले को भी हमें नहीं भूनना, क्योंकि और सारी चीज़ें डालते जाएंगे और मसाला भूनता जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हम इस मसाले को भूनेंगे। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है, और इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया था, तो जो टमाटर थे हमारे वो भी अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हमने प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे, जिसको हमने फ्राई करके अलग रखा हुआ है। मसालों के साथ में चिकन को कुछ देर के लिए हम कुक कर लेंगे। ऐसे पकाएंगे तो जो मसाला है वो भी हमारा भुनता रहेगा, साथ ही हमारा जो चिकन है वो भी थोड़ा सा और अच्छी तरीके से भुन जाएगा।
और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही ऐड करेंगे। बिल्कुल मैंने इसको बीट कर लिया है और ये ऊपर तक भरकर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया। ये भी हम इसके साथ ही मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसको डालने से। दही जब डालते हैं तो बहुत अच्छा और क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। देखिए चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लिया है। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, बिल्कुल दानेदार मसाला भुन गया है हमारा। इसी के साथ साथ हमारा चिकन भी पक रहा था और इसमें भी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब चिकन मसाले के साथ में कुक होता है। तो अब इसके अंदर अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जार के अंदर थोड़ा सा पानी ले लिया था 1 कप के बराबर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे हम चेक कर लेंगे। अगर मुझे पतली ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा पतली भी ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, तो ऐसी ग्रेवी के लिए मैं चेक करूँगी कि इसके अंदर कितना पानी और यूज़ होगा। तो देख सकते हैं आप कि ग्रेवी अभी हमारी काफ़ी ज़्यादा थिक लग रही है। तो इसके अंदर तकरीबन मैं 1/2 कप के बराबर पानी और ऐड कर दूँगी। तो ये फिर से मैंने जार के अंदर ही पानी ऐड कर लिया है, फिर ऐड कर लेंगे हम। इसे मिक्स करेंगे। तो अब जो ग्रेवी है हमारी एकदम से परफेक्ट रहेगी जैसे हमें चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही प्रेशर लगाना है और एक प्रेशर में तकरीबन 3 मिनट का टाइम ही लगेगा। और जो हरी मिर्चें हमने आपको मेंशन की थी वो हम इस तरीके से तोड़कर ऐड कर लेंगे सभी हरी मिर्चों को। अब इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नमक वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आपके मुताबिक लगे तो सही है, नहीं तो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरे धनिए की डंडियाँ, जो पीछे वाली होती हैं उसको मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और अब हम इसको लिड कवर करेंगे और एक प्रेशर ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद में इसको इसी की स्टीम में छोड़ देंगे। और जब इसकी स्टीम खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगी तभी हम आपको दिखाएंगे। एक प्रेशर के बाद में मैंने इसको इसकी स्टीम में छोड़ा हुआ था, अब इसकी जो स्टीम है वो निकल चुकी है। अब चेक कर लेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये देखिए। और बस मिनटों में बनकर तैयार हो गया है ये। ये देखिए आप ग्रेवी कितनी बढ़िया दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा रिच और टेस्टी दिख रही है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे हरा धनिया। तो काफ़ी सारा हरा धनिया मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि चिकन पूरी तरीके से अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट लग रहा है। और बस अभी ये तैयार है, अब इसको कर लेंगे हम डिश आउट। ऑथेंटिक, सिंपल और इजी हमारे चिकन करी बनकर तैयार है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ में, चपाती रोटी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। चपाती रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है हल्की सी पतली है। तो बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली के साथ में ज़रूर इंजॉय कीजिए। सर्दियाँ चल रही हैं, चिकन अलग अलग तरीके से बनाकर ज़रूर इंजॉय करें। तो अगर रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाज़िर हो जाऊँगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।